बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मार्केट क्लोज़ हो गई है, इसका एनालिसिस करते हैं। आज 22 है। मैंने सुबह बताया था मैंने आपको कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट सारा दिन आज नेगेटिव रही, लेकिन एंड पे आके थोड़ी सी पॉजिटिव हुई मार्केट। 40 पॉइंट्स का उसमें इंक्रीज़ हुआ, 40%। तो अभी अगर आज की कैंडल आप देखें और आज की मार्केट का एनालिसिस करें, तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट रीबाउंड हो गई है। अभी भी स्टिल ये नेगेटिव सिग्नल जनरेट किया हुआ है उसने, जो कि अभी कन्वर्ट नहीं हुआ कि कोई सिग्नल में कि पॉजिटिव होगी। तो आपने अभी एंट्री का अपना नहीं लेनी अभी अपनी। अगर ली हुई है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। 880 पे क्लोज हुई है मार्केट तकरीबन, तो 950-60 को दोबारा टच कर सकती है। लेकिन ये नेगेटिव इंडिकेशन है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म नेगेटिव में है। तो आप एंट्री ना लें अभी मार्केट में, जिन्होंने अभी एंट्री लेनी है। और जिन्होंने ले ली है वो अपने स्टॉप लॉस लगा के रखें, और जो प्रॉफिट में है वो बुक कर लें प्रॉफिट, ठीक है। और जो कुछ शेयर्स आपके साथ चल रहे हैं आप उनमें ले लें। सावक एग्री का लोग बहुत पूछ रहे हैं, सावक एग्री का भी एंट्री इसमें नहीं बनती। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, अभी इसमें एंट्री ना लें। जब ये स्पोर्ट पे आपने टच करेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें एंट्री लेने का। जो मैंने आपको बताया था सऊदी आरामको में ले सकते हैं, साबिक में ले सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ और भी शेयर मैंने आपको बताए हुए थे, सलमान हबीब ने अपना मैक्सिमम लगा दिया है, उसमें एंट्री ना लें आप। अभी कुछ दिन एंट्री ना लें, फिर उसकी दोबारा मूव शुरू होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप ले सकते हैं एंट्री, ठीक है। और देखिए, सलमान हबीब का मैंने आपको 160 पे था, तब ये बताया था आपको कि ये 200 को टच करेगा। तो जिन्होंने 165 पे लिया होगा तो आज वो 200 के करीब है, ठीक है। और कुछ शेयर्स का मैं एनालिसिस करूँगा, कल भी आपको बताऊँगा कि किन कौन सा शेयर आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है अभी, तो इसलिए आप एंट्री ना लें अभी, तो अच्छी बात है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।